गुड आफ्टरनून यन सो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट वन आपका सेकंड चैप्टर चालू है क्वाड्रेटिक इक्वेश उसमें से प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है सो लेट्स क्वेश्चन नंबर थ्री इन प्रीवियस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट किया था सो so, आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट करेंगे सो लेट सी क्वेश्चन नंबर थ्री इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म कौन सा फॉर्म है देखिए ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन सो यहाँ पे सिक्स इक्वेशन है हर एक इक्वेशन को क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है देन कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है इतना ही करना है एकदम सिंपल सो लेट्स सी फर्स्ट वन देखिए फर्स्ट वन इक्वेशन गिवन है टू वाई इज इक्वल टू टेन माइनस वाई स्क्वेयर अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे पहले हाइएस्ट पावर वाली टर्म लिखेंगे देन विथ वाई वाली टर्म लिखेंगे देन लास्ट कॉन्स्टेंट लिखेंगे और राइट right साइड में जीरो होना चाहिए सो so ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है सो so ये जो माइनस वाई स्क्वेयर है शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो प्लस हो जाएगा और कांस्टेंट जो है यहाँ पे टेन प्लस में है शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो माइनस हो जाएगा इट मीन्स हमें यहाँ पे मिलेगा लेट सी सोल्यूशन में लिखेंगे देखिए वाई स्क्वेयर सबसे पहले लिखना है तो प्लस हो जाएगा वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के बाद सो वाई स्क्वेयर प्लस टू आई ऑलरेडी टू वाई प्रेजेंट है और ये जो टेन है शिफ्ट करने के बाद माइनस हो चुका है सो इन दिस पे हमें इक्वेशन मिला है वाई स्क्वेयर प्लस टू आई माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो सो so, अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है सो so इसको कंपेयर करेंगे ये जो इक्वेशन है कंपेयर विथ स्टैंडर्ड कौन सा अब देखिए यहाँ पे y वेरिएबल है सो so हम स्टैंडर्ड में y वेरिएबल लेंगे जो भी आपको गिवन वेरिएबल है उससे में स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे सो so स्टैंडर्ड लिखते हैं ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो सो इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो देखिए ए के जगह पे गिवन इक्वेशन में वन है ओनली वाई स्क्वेयर है, है मतलब वहां पे वन होगा कोई भी से so, मिलेगा आपको वन देन बी देखिए कंपेयर करने के बाद बी के जगह पे मिलेगा टू देखिए विथ साइन होता है वहां पे प्लस टू है सो so हम जस्ट टू लिखेंगे अगर माइनस साइन है तो हमें माइनस साइन लिखना पड़ेगा सो so, बी के साथ मिलेगा आपको बी के जगह पे है टू देन सी देखिए सी को अगर कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट है आपके पास माइनस टेन सो सी इज इक्वल टू लिखना है माइनस टेन हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट वन का है. ऐसे करना है समझ में आए देखिए क्या करोगे आप फर्स्ट गिवन इक्वेशन को रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सबसे पहले हाइएस्ट पावर वाली टर्म देन वाई वाली टर्म या जो भी एक्स वाली टर्म देन कॉन्स्टेंट और राइट right साइड में जीरो लेके आना है देन कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ और ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है ये तय करना है ओके सो लेट्स सी सेकंड वन इक्वेशन गिवन है इन ब्रैकेट ब्रैकेट इज इक्वल टू स्कूल सो अब देखिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बट ये जो ब्रैकेट है उसको पहले एक्सपांड करना पड़ेगा करेक्ट ना सो so, आपके पास एक्सपांशन है ऐसे ब्रैकेट फॉर्म के लिए ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का करेक्ट ना उसका यूज़ करके आप एक्सपांड कर सकते हैं इसको क्या है आपके पास फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंशन फार्मूला आप इसको एक्सपांड कर सकते हो देखिए अभी ए के जगह पे एक है बी के जगह पे वन है सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्र मिलेगा और टू ए बी है यहाँ पे बट ऊपर देखिए एक्स तो रहेगा टू एक्स इंटू वन मतलब टू एक्स ही आ जाएगा और बी स्क्र मतलब वन स्क्वायर वन आता है करेक्ट ना सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायेयर माइनस टू ए बी सो माइनस टू लिखा है हमने और ए बी देखिए ए बी मतलब एक्स इंटू वन एक्स ही आने वाला है सो माइनस टू एक्स लिखा है डायरेक्ट और बी मतलब वन और वन स्क्वायर वन होता है सो so, मैंने डायरेक्टली वन लिख दिया इन दिस वे और राइट right साइड में देखिए राइट साइड में है टू एक्स प्लस थ्री इन दिस वे एज इट इज़ लिख देते अब क्या करना है ये जो टू एक्स प्लस थ्री है ना इसको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड सो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे टू एक्स का माइनस टू एक्स हो जाएगा और थ्री का माइनस थ्री हो जाएगा So, ये जो फर्स्ट है एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस वन एज इट इज रहेगा और उसके साथ में आएगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री देखिए और राइट right साइड में कुछ नहीं मतलब जीरो बचेगा इन दिस में अब देखिए इन दिसप माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स दोनों माइनस है तो क्या मिलेगा आपको माइनस फोर एक्स मिलेगा करेक्ट ना और प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री कितना होता है माइनस

प्लस बी एक्स प्लस सी इजिक्वल टू ज़ीरो सो कंपेयर करके देख लीजिए कंपेयर करोगे तो आपको ए मिलेगा वन बी मिलेगा माइनस फोर और सी मिलेगा माइनस टू हाँ माइनस साइन आपने लिखना है अगर प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं बट माइनस है तो लिखना पड़ेगा फिर से देख लीजिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म को जो ये जो हमने अभी कन्वर्ट किया है उसको कंपेयर करिए ए की जगह पर वन मिलेगा एक्स स्क्वेयर मतलब वहाँ पर कोई भी वन ही है और एक्स के साथ देखिए एक्स के साथ माइनस फोर है सो तो बी आपको माइनस फोर मिलेगा और कांस्टेंट है प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट थ्री माइनस एक्स सो देखिए सोल्यूशन करते समय ये जो लेफ़्ट साइड है एज इट इज रखता हूँ मैं एक्स स्क्वायेयर प्लस फाइव एक्स बट जो राइट साइड में देखिए माइनस साइन जो है ब्रैकेट के बाहर उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लेके आता हूँ सो so, ये देखिए एक्स स्क्वायेयर प्लस फाइव एक्स एज इट इज इज इक्वल टू देन राइट साइड में अगर माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस इंटू थ्री माइनस थ्री हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो so, हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस थ्री प्लस एक्स आई होप आपके समझ में आया माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा माइनस थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इन दिस वे अब ये जो माइनस थ्री है शिफ्ट करने के बाद प्लस हो जाएगा और प्लस वाला एक्स शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा इट मींस आपको यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क् प्लस फाइव एक्स एज इट इज और ये जो एक्स था माइनस बन जाएगा और माइनस वाला थ्री प्लस हो जाएगा और राइट right साइड में कुछ नहीं मतलब जीरो अब देखिए यहाँ पे फाइव एक्स माइनस एक्स दोनों सेम टर्म्स से है एक्स में है तो इनका सब होता है फाइव माइनस एक्स कितना होता है फोर एक्स होता है करेगा ना सो हम नेक्स्ट स्टेप में मिलेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो फाइव एक्स माइनस एक्स करेंगे एक्स मतलब वन एक्स फोर एक्स मिल जाएगा In this way. अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है कंपेयर करेंगे फोर एक्स सो बी के जगह पे फोर है सी मतलब so के जगह पे थ्री है सो so, हम लिखेंगे यहाँ पे एज इक्वल टू वन बीज इक्वल टू फोर एंड सी इज इक्वल टू थ्री इन दिस में आपका क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो चुका है मतलब सब क्वेश्चन थ्री और भी इसमें सब क्वेश्चन है टोटल सिक्स है सो लेट्स सी सब क्वेश्चन नंबर फोर थ्री एम स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एम स्क्वेयर माइनस नाइन सो अब देखिए जो टू एम स्क्वेयर और माइनस नाइन है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में सो लेट्स सी सोलूशन थ्री एम स्क्वेयर एज इट इज और टू एम शिफ्ट करने के बाद माइनस हो जाएगा मतलब हमें यहाँ पे मिलेगा थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायेयर और माइनस नाइन प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड जाने के बाद सो प्लस नाइन इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं मतलब जीरो बचेगा अब देखिए थ्री एम स्क्वायेयर माइनस टू एम स्क्वायेयर दोनों सेम टर्म्स है सो थ्री so माइनस टू कितना होता है वन होगा मतलब वन एम स्क्र इट मीन्स एम स्क्वायेयर डायरेक्ट आप एम स्क्वायेयर लिख सकते हो सो so, एम स्क्वेयर रहेगा और कांस्टेंट है प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो अब देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है क्या नहीं है यहाँ पे जो मिडल वाली एम के साथ टर्म होती है वो मिसिंग है करेक्ट ना जिसका बी कोई होता है सो so, हम उसको लिखेंगे ज़ीरो के साथ लिखेंगे कैसे लिखेंगे लेट्स सी आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में तीन टर्म्स होनी चाहिए एक वाली होनी चाहिए एक बी कोई परेशेंट वाली होनी चाहिए और एक कॉन्स्टेंट होनी चाहिए ठीक है ना सो so, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जीरो के साथ उसको ये एम स्क्वेयर प्लस जीरो एम प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो अब देखिए एम स्क्वेयर ऑलरेडी अपने पास था नाइन भी था बट ये जो मिडल वाली टर्म है वो मिसिंग थी मतलब यहाँ पे नहीं थी सो so, उसको हमने जनरेट कर दिया जीरो लेके जीरो कोई परसेंट लेके जीरो एन टू यम जीरो ही होता है एक्चुअली वो जीरो टर्म है बट हमें स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने के लिए दिखानी है ओके और एक बात देखिए जब कोई मिसिंग टर्म आप लिखते हो तो जो वेरिएबल वहाँ पे प्रेजेंट है देखिए यहाँ पे गिवन वेरिएबल यम है सो यम में लिखना है उसको ठीक है ना जीरो यम यहाँ पे आप जीरो एक्स नहीं लिख सकते ठीक है ना अलग अलग वेरिएबल नहीं लिखना सो अब इसको कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड अब स्टैंडर्ड आप यम में लिखो ठीक है ना यम वेरिएबल यूज़ करके सो क्या मिलेगा आपको ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो सो अब देखिए कंपेयर कर लो ए के जगह पे आपको वन मिलेगा बी के जगह पे जीरो और सी है नाइन सो so, लिख देते हैं ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सी इज़ इक्वल टू नाइन इन दिस देखिए जब आपको कोई मिसिंग टर्म है ना तो आपने वहाँ पर जीरो लेके लिख देना है या कॉन्स्टेंट मिसिंग है तो उसको आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो और एक बात आपका जो हाईएस्ट पावर है टू है जिसकी डिग्री ओ वाली मिसिंग रहेगी क्या नहीं रहेगी अगर ओ मिसिंग है तो आपका गी वन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है ओके okay ना ऐसा नहीं होता मैक्सिमम uh, टाइम जो मिडल वाली टाइम है वही मिसिंग रहेगी ठीक है सो इन दिस वे आपका ये क्वेश्चन नंबर फोर सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है देन सब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पी इन ब्रैकेट थ्री प्लस सिक्स पी इज इक्वल टू माइनस फाइव सो आपको क्या करना है सबसे पहले जो p है उसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में सो so, p इंटू थ्री थ्री पी मिलेगा और p इंटू सिक्स पी सिक्स पी स्क्र मिलेगा देखिए p इंटू पी पी स्क्र होता है सो so, आपको मिलेगा थ्री पी प्लस सिक्स पी स्क्र और राइट साइड एज इट इज माइनस फाइव सो ये जो माइनस फाइव है उसको अगर हम शिफ्ट कर दें तो प्लस हो जाएगा और साथ में उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर रहती है उसकी पावर की सबसे पहले हाईएस्ट पावर देन उसके बाद की पावर देन ज़ीरो पावर सो लेट से मैं लिख देता हूँ सिक्स पी स्क्वेर प्लस थ्री पी प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो करेक्ट न सबसे पहले पावर टू आनी चाहिए देन वन आनी चाहिए देखिए p की पावर कुछ नहीं मतलब थ्री पी थ्री पी जो टर्म है उसमें पावर कितनी है वन है p की पावर वन होती है और लास्ट में फाइव है सो वहाँ पे p अपसेंट है मतलब उसकी पावर जीरो है ठीक है ना ऐसे है टू वन जीरो ऐसे करके पावर है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है इसको कंपेयर कर लेते हैं अब यहाँ पे p वेरिएबल यूज है सो हम में A, p में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे लेट्स सी ए पी स्क्वेयर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सो कंपेयर कर लो ए के जगह पर आपको मिलेगा सिक्स बी फाइव बी है थ्री एंड सी है फाइव सो लेट से मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू सिक्स बी इज इक्वल टू थ्री एंड सी इज इक्वल टू फाइव इन दिस वे फिफ्थ वन कंप्लीट देन लास्ट वन फ्रॉम दिस थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन इज इक्वल टू थर्टीन सो so, एकदम सिंपल सा ये जो थर्टीन है शिफ्ट कर लो प्लस वाला माइनस हो जाएगा सो so, आपको मिलेगा एक्स स्क्र माइनस नाइन माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो सो माइनस नाइन माइनस थर्टीन ट्वेंटी टू करेक्ट ना माइनस ट्वेंटी टू सो एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू जीरो अब देखिए यहाँ पे मिसिंग है मिडल वाली टर्म सो so, उसको लिख देते हैं कैसे लिखेंगे एक्स स्क्र जीरो के साथ लिखना है उसका कोई भी जीरो आना चाहिए सो so, एक्स प्लस जीरो एक्स माइनस ट्वेंटी टू इज इक्ल टू ज़ीरो अब इसको कंपेयर कर लो और आगे का सॉल्यूशन आप लिख लो सिक्स वन आपने करना है ओके करोगे ठीक है सो लेट्स सी लिख देते हैं ऐसा कुछ नहीं कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ओके स्टैंडर्ड फॉर्म अभी एक्स में लिखना है इससे पहले हमने लिखा है ए एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्ल टू जीरो और ए बी से आपने जो रियल नंबर्स है वो लिखने हैं कंपेयर करके ओके सो इन दिस में आपका सिक्स वन सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस थर्ड कंप्लीट हो चुका है और साथ में आपके जो थर्ड वन क्वेश्चन था ऑफ योर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट है ठीक है तो रुकते हैं थैंक यू